नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। पलामू से हमारे संवाददाता सुधीर कुमार की रिपोर्ट। झारखंड विद्युत मानव दिवस कर्मी संघ के मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर मेदिनीनगर स्थित जीएम कार्यालय के समक्ष धरना दिया। वेतन में बढ़ोतरी ईपीएफ ईएसआई के भुगतान को लेकर दिया धरना। वहीं कर्मियों ने विभाग पर आरोप लगाया कि 30 दिन काम करवाकर 26 दिन का मिलता है वेतन, 5400 रुपए ही मिलता है वेतन। इतना वेतन में उनका परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। वहीं विभाग के द्वारा कई कर्मियों को नौकरी से भी निकाल दिया गया। इसके विरोध में सभी कर्मियों ने जीएम के खिलाफ नारेबाजी भी की। साथ ही कर्मियों ने कहा कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं होती है तो वे रांची में प्रधान विद्युत कार्यालय के समक्ष धरना देंगे। इतना बड़ा शोषण हो रहा है कि लगता है कि हम लोग बाल बच्चा भी नहीं पोस पाए। क्या तनख्वाह मिलता है? 5200 रुपया। आज ड्यूटी करते हुए 13 साल हो गया और उसमें कोई के 5200 मिलता है, कोई के 6200 मिलता है। जो इस कोरोना के महामारी में भी हमारे साथी काम करके पूरे झारखंड के हम लोग मानोबल हैं। आज हम लोग के साथ अफसर लोग देख रहे हैं गेट बंद कर दी, तो बताइए किसके साथ क्या दिक्कत है? ये सब सोचना चाहिए ना। अरे हम लोग तो कोई आप लोग से आंदोलन नहीं कर रहे, अपना हक मांगने आए हैं। हम लोग को हक मिलना चाहिए ना। कोई हक के लिए भी आप लोग ऐसा करते हैं क्या? 52 लेबर का भी 9000 रुपये कम से मंथली मिलता है, 300 रुपये पर दिन मिलता है और हम लोग के साथ 30 दिन का ड्यूटी है। हम लोग इतवारों छुट्टी नहीं है, एक दिन छुट्टी नहीं है, 365 दिन हम लोग ड्यूटी कर रहा है। दीपावली दशहरा कहीं छुट्टी नहीं है, ठीक है, उसके साथ भी ये स्थिति है। ये जो है झारखंड विद्युत मानव दिवस कर्मी संघ के तरफ से, ये झारखंड मानव दिवस कर्मी जो है मेदिनीनगर एरिया बोर्ड का, वो लोग को मिनिमम वेज नहीं मिलता है, ईपीएफ ईएसआई का कोई पता नहीं है, बोनस ग्रेजुएटी तो वो सब तो छोड़ दीजिए, पूजा अवकाश राष्ट्रीय अवकाश नहीं मिलता है, पैसा मनमाना ढंग से मिलता है, किसी को 5300 तो किसी को 6300 तो किसी को 7300। और ये लोग का जो है बिना कुछ न कुछ एलिगेशन लगा करके बिना कारण के जब चाहता है जिसको चाहता है उसको ठेकेदार हटा देता है। जो श्रम कानून का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है, ड्यूटी 300 दिन लिया जाता है, ड्यूटी 30 दिन लिया जाता है लेकिन पैसा ये लोग को काट करके दिया जाता है। अभी कोरोना काल का यही सारा मतलब परेशानी के लिए आज हम लोग यहाँ आए हैं। इससे नहीं होगा तो फिर हम लोग आगे कुछ करेंगे, बोर्ड घेरेंगे, मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे, मतलब सारा जगह हम लोग इसको मामला को लेकर के जाएंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिनेश सिंह, झारखंड विद्युत मानव दिवस कर्मी संघ का महामंत्री झारखंड प्रदेश। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज झारखंड, सबसे पहले सबसे तेज। तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।